संघ सुरक्षा मिशन के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव आचार्य डॉक्टर संतोष जी दास हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही थी, नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कुछ बयान दिए थे, उसमें क्या कहना चाहोगे आप? नेपाल के प्रधानमंत्री का जो बयान है वो बेतुका है, बेहुदा है, और हमारे यहाँ शास्त्र में कहा है अलापो अनर्थ को बचा। जो अलाप होता है, प्रलाप होता है, वो प्रलापो अनर्थ को बचा। आज वो चीन की गोद में बैठ करके और चीन के स्वर में स्वर मिला करके इस प्रकार से हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर प्रश्न उठा करके हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का ये कुकृत्य किया है, तो ये कभी भी उनके लिए क्षम्य नहीं होगा। और वैसे तो प्रभु श्री राम पूरे विश्व के हैं, विश्व में समाया रमन्ते योगिनो आदि आदि के क्रम में जो व्युत्पत्ति है, तो भगवान तो कणकण में व्याप्त हैं। राम तो पूरे विश्व के हैं, तो विश्व में तो नेपाल भी आता है, परंतु जिस प्रकार से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्होंने चाइना के स्वर में स्वर मिला करके और ये बयान दिया, ये घोर निंदा का विषय है। और मैं तो कहूँगा कि ऐसे लोगों को संवैधानिक पद में किसी भी देश में नहीं रहना चाहिए। वहाँ की सरकार के जो मंत्री हैं, जो उनके नेता हैं, उनको चाहिए कि ऐसे नेता को स्वीकार न करें। और इस पर जो है हम प्रतिशोध जो है व्यक्त करते हैं, और इसका बुरा परिणाम होगा, क्योंकि जब अंतिम समय आ जाता है तो इस प्रकार से लोग जो है अनाप शनाप बोलने लगते हैं। तो मैं तो यही मानता हूं कि अब इनकी सत्ता जाने वाली है, इसलिए जब दीपक का घी जो है कम हो जाता है तो दीपक में लौ तेज हो जाती है, तो जब लौ तेज हो जाती है तो ये इसी प्रकार की उटपटांग की स्थितियां जो है, पुटपुट की स्थितियां जो है होने लगती हैं। तो इसको मैं सिरे से नकारता हूँ, और संघ सुरक्षा मिशन की ओर से मैं जो है घोर निंदा करता हूँ कि ऐसे बयान संवैधानिक पद पर बैठ करके कोली जी को नहीं करना चाहिए, और ये कभी भी भारत स्वीकार नहीं करेगा। राम तो आत्मा है भारत की और हमारे आराध्य हैं, हमारे आराध्य के प्रति इस प्रकार की टिप्पणी हमारे लिए कभी स्वीकार नहीं होगी। हम इसका घोर निंदा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय सिया राम।